बाराबंकी के सुबेहा नगर निवासी एक युवक की देर रात हत्या कर दी गई, जिसका शव गुरुवार की सुबह कोठी के जंगल में मिला। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दिनेश बुधवार की शाम 1,70,000 रुपये लेकर निकला था। उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा और शव पाए जाने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। सुबह थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक के सर पर गंभीर चोटों के निशान भी हैं। उधर लोगों ने आशंका जताई है कि हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में रुपए हड़पने के लिए की होने की संभावना है। बाराबंकी से संवाददाता अलीम सिकंदर की वार्षिक रिपोर्ट। सुबह में दिनेश जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। एक खंडहरनुमा स्थान है जिसको नहरकोठी बोलती है, वहाँ पर इनकी बॉडी मिली है, जिसमें सर पे चोट है। इसमें फील्ड में डॉग स्क्वाड आ गया था और इसमें गुमसुदगी लिखी गई थी और तहरीर प्राप्त की जा रही है, तदनुसार कार्रवाई होगी। पीएम हो रहा है, कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, कुछ लोगों को ला करके पूछताछ किया जा रहा है। 1 बजे थाने पहुंचे, थाने गए, तहरीर दिए गुमशुदगी का, और तुरंत थाना जो है एक्टिव हो गया। सब जहाँ इधर उधर फ़ोन भी किए, उसके बाद हम लोग फिर सुबह सुकुल बाज़ार गए, हॉस्पिटल में देखे। हम कहें शायद गए हों, हॉस्पिटल ही गए हों, लेकिन हॉस्पिटल में भी नहीं मिले। हम लोग फिर वापस आए, कमाल से बात हुई तो कमाल ने बताया कि हमारे यहाँ कोई किसी का पैसा नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर 4 बजे घर वापस चले आए ढूंढ कर, जब नहीं मिले तो। लेकिन जब सुबह उठे हम लोग फिर ढूंढने, तो पता चला कि मोटरसाइकिल SR पेट्रोल टंकी है, वहाँ एक नहर कॉलोनी बनी है, जंगल टाइप है, वहीं पर मोटरसाइकिल मिली। तो हम लोग देखे तो वहीं पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो हम लोग फिर तुरंत सुबह थाने फ़ोन किए, तो